हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल। आप सबको मेरे चैनल स्वागत है। मेरे पास ये माइक्रोस्कोप है, इसको हम जो है लैपटॉप में देखेंगे, तो मेरी वीडियो में एंड तक बने रहे हैं। जो इसको हम माइक्रोस्कोप को जो है लैपटॉप में कैसे कनेक्ट करेंगे, लाइव देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले उसके लिए सबसे पहले एक कैमरा ख़रीदना है, जो मैंने अभी ख़रीदा है यहाँ पर मैकेनिक का 51 मेगापिक्सल, जो RX 510 मॉडल है। ये मैं फिर से दिखा देता हूँ, यहाँ देख सकते हैं ये मॉडल, ये मैंने परचेस किया यहाँ पर, तो बाबा टूल्स से मैंने लिए थे। बाबा टूल्स का स्टिकर भी देख सकते हैं। तो यहाँ इस माइक्रोस्कोप के साथ ये जो CCTV लेंस जो है ये साथ में मिलता है माइक्रोस्कोप के साथ, तो इसको सबसे पहले फिट कर लेना है। और इसके साथ जो है एक ये केबल मिलता है और एक अडेप्टर मिलता है जो बिजली से कनेक्ट करने के लिए इसमें मिलता है, ठीक है। और एक HDMI केबल मिलता है, मैं दिखाता हूँ। यहाँ देख सकते हैं ये पावर जो है बिजली से अडेप्टर लगा के, अडेप्टर वाला है 12 वोल्ट का इसका कनेक्शन, और ये इस साइड में HDMI केबल, ठीक है। और एक USB केबल ये है, ये तीनों साथ में मिलता है। मैंने तो केबल सारी जो है रख दी है, तो इसको जो है कनेक्ट जो है मैं लैपटॉप में करूँगा। मेरे वीडियो में एंड तक बने रहे, यहाँ देख सकते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है कि ये जो CCTV लेंस ये लगा लेना है, उसके बाद ये लगा लेना है। इसमें SD कार्ड का ऑप्शन भी है, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। बड़ बटन भी है और रिमोट भी साथ में मिलता है इसका। तो सबसे पहले इसको फिट कर लेना है इसमें। नीचे तो हम 7x लेंस लगाए हुए हैं, यहाँ देख सकते हैं। तो इसको सबसे पहले करना कि ये केबल एक लगा लेना है USB वाला। यहाँ देखिए, ये केबल USB वाला लगा लेना है। और इसके बाद इसको जो है लैपटॉप पर चलते हैं। लैपटॉप पर आने के बाद एक को हम जो है यहाँ पे सॉफ्टवेयर का लिंक दे देंगे, या कमेंट करना वहाँ पे हम लिंक दे देंगे नीचे, वहाँ से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं ये सॉफ्टवेयर का है, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, ये वाला। इसको इंस्टॉल कर लेना है, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, इंस्टॉल तो सबको करना आता है। इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। जैसे ही डबल क्लिक करके ओपन करेंगे इस तरह से फेस आ जाएगा। और इसको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सेटिंग है, इसको क्लिक करना है। इस पर क्लिक किए और ये कैमरा जो है, मैं दिखाता हूँ, ये कैमरा जो है इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं इसका मॉडल जो है मैकेनिक का, ये मॉडल आएगा इसमें, क्योंकि नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे डाटा केबल, ये केबल जो है ये नहीं लगा हुए हैं। इसको इसमें अटैच कर लेना है और इसके बाद डायरेक्ट मैं यहाँ केबल से लेके यहाँ लेकर आ गया हूँ। तो सबसे पहले हम इसको इसमें लगाते हैं केबल, लैपटॉप में विंडोज 10 में ऑटोमेटिक ड्राइवर ले लेता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लगाने के बाद ऑटोमेटिक आ गया RX 510, क्योंकि ओरिजिनल है इसलिए मॉडल का साथ आ रहा है इसमें। इस पर क्लिक कर देना है सिंपली, इस पर जैसे इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे देख सकते हैं शो कर रहा है। यहाँ पे शो किया, मैं अप्लाई पे क्लिक कर देते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से क्वालिटी आता है। इसको क्वालिटी हम जो एडजस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ जो देख सकते हैं मेरे पास ये है कैमरा का LED का, ये जैसे हम LED कम ज़्यादा करते हैं उसके बाद ये क्वालिटी पता चलता है, क्योंकि हमको इसको फुल रखना है। ये जो है कैमरा वाला ब्राइटनेस का जो है, ये इसको हम फुल रखना है। ये कम हो रहा है तो यहाँ पर दिक्कत होगा, तो इसको हम फुल करके उसके बाद हम एडजस्ट करके दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ फुल कर दिए, यहाँ भी पूरा प्रॉपरली है, मैं अंदर में बोर्ड रखा हूँ, देख सकते हैं। और यहाँ पे वाइट आ रहे हैं, तो इसको सिंपली कुछ नहीं करना है, ये सेटिंग पर जाना है, यहाँ पे इस पर सेटिंग पर जाना है, इस पर क्लिक किए हम, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ मोड सेटिंग पर चलना है, ये वाला मोड सेटिंग पे, इस पर क्लिक किए। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑप्शन आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम ब्राइटनेस का जो एडजस्ट करेंगे ऑटो पर रखेंगे। एक कैमरा कंट्रोल है, इस पर हम क्लिक करेंगे, मैं दिखा देता हूँ, ये कैमरा कंट्रोल है, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो मैं इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर देख सकते हैं इस ये जो -10 है इसको ऑटो पर इधर लिखा हुआ है, इसको हम ऑटो पर क्लिक करेंगे। जैसे ही ऑटो पर क्लिक करेंगे तो आप जो है कैमरे का लाइट कम बेसी कितना भी कुछ करो, ऑटोमेटिक ये जो है कैमरा का लाइट जो है उससे कोई फ़र्क नहीं होता है, इस पर एडजस्ट हो जाएगा। जैसे हम क्लिक करिए ऑटो पे, ऑटो पे आ गया। अब इसका क्वालिटी देखिए, अब इससे और क्वालिटी हमको बढ़ाना है,
इसको यहाँ पर देख सकते हैं फोकस, इसको बढ़ा लीजिए पूरा फुल, मैंने कर लिया पूरा फुल, इसको भी पूरा बढ़ा लेना है पूरा फुल, हो गया। अब इसको और क्वालिटी बनाना है हमको, तो यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करना है, इस पर आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कंट्रास्ट जो है इसको थोड़ा बढ़ा लेना है। देखिए कंट्रास्ट जैसे ही हम बढ़ाए, पूरा फुल नहीं करना है, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद इसको जो है नीचे वाला का सरफनेस जो है इसको हम फुल कर लेते हैं, क्योंकि ये जो क्लियर होता है, ठीक है, सरफनेस जो है ये क्लियर करता है, ब्लर और क्लियर दोनों करता है, देख सकते हैं ये ब्लर हो गया, ये क्लियर हुआ, ठीक है। और इस पर क्लिक करते हैं, इसको अपना हिसाब से इसका जो मेंटेन जो है इसको कलर एडजस्ट करेंगे हम, ठीक है, इतना हो गया। इसको थोड़ा हम लाइट बढ़ा देते हैं, ब्राइटनेस ऊपर में लिखा हुआ है, कुछ ज़्यादा हो गया, ये मेरा सेटिंग देख सकते हैं, आप भी सेटिंग इस पर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अप्लाई कर देते हैं, अब ये ओके पर क्लिक कर देते हैं, आ गया, ये अप्लाई पर क्लिक कर दिए। अब ये इस पर थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, अब इसको फुल स्किन कर लेना है हमको, यहाँ नीचे कोने पर देख सकते हैं, कोने में, यहाँ कोने में इस पर फुल स्किन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देना है। देखिए जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ इसका, अब ये जो है क्वालिटी देख सकते हैं आप, अब इसको जो है यहाँ से हम एडजस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ जो हम एडजस्ट कर दिए। अब एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं, यहाँ पर जो मेरा ये है, उसके बाद इस पर देखिए, यहाँ पे लाइट जो कम बेसी करेंगे होगा, लेकिन इस पर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑटो पर रखे हैं। देखिए मैं थोड़ा, देखिए ठीक है, फुल भी कर दिया, उसको इससे कोई मतलब नहीं, ऑटो पर है, अपने आप जो है लाइट जो एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। अगर जो मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मेरे पास LCD नहीं था, इसलिए मैंने लैपटॉप में इसमें देखना सही समझा।